कि आपको सरकारी नौकरी कम मिलेगी, पापा लड़का देख रहे हैं, एसएससी या रेलवे पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। क्या? तुम शादी कर लो, एसएससी और रेलवे पर भरोसा मत करो। मतलब वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान समय में एकदम सटीक, क्या एकदम सटीक भाई साहब, आपको सरकारी नौकरी कम मिलेगी, भरोसा मत करो। क्या? भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। ये दोस्तों किसका आइडिया था ना, ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी ना जाने किसका आइडिया था, आराम से गुफाओं में रहते, कंदमूल खाते और मर जाते। गुफाओं में आराम से रहते, ना नौकरी ना दोस्तों चाकरी ना लिखाई, किसी की चिंता नहीं होती। एकदम सही कहा है इस बाबा ने। ये देखो मेरे दोस्तों, मतलब इस सेल्फी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वाली सेल्फी गई भैंस पानी में। ये है दोस्तों हमारी, क्या हमारी फूल पत्ती वाली क्लास की ब्रांड अम्बेसडर, ये है भैंस दोस्तों। और जब ये पानी में जाती है ना, इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये सेल्फी देखिए एकदम लल्लन टॉप। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। मतलब दोस्तों लिखा होता है ना कि भंडारे में अधिक से अधिक लोग आ जाएं और भंडारे को सफल बनाएं। पता नहीं भाई साहब कब ये देखने को मिलने वाला है। जब मेरे दोस्तों आपको याद है, जब रात को 8 बजे मोदी जी ने कहा था कि आज से 500,000 के नोटों पर बत्ती लगा दो, गई भैंस पानी में। उस समय मेरे दोस्तों बैंक के अंदर, कहां बैंक के अंदर जो लाइन लगी थी ना, उसमें एक लाइन ऐसी भी थी मेरे दोस्तों, क्या आराम से मेरे दोस्तों बैठे हुए हैं, सब अपना मोबाइल चला रहे हैं, चप्पलें लाइन में लगी हुई है। क्या? हाँ दोस्तों ऐसा हुआ था, चप्पलें लाइन में लगी हुई है। ये भारत का जुगाड़ है। क्या? भारत का जुगाड़ है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी चोट है दोस्तों ये वाली चोट, सुनना क्या है। मोबाइल को 3 घंटा चार्जिंग पर लगाने के बाद जब आपको पता चले बटन तो ऑन ही नहीं किया, सबसे बड़ी चोट है। मतलब कि मोबाइल दोस्तों चार्जिंग पे लगा दिया और सोचा अब तो पूरा चार्ज हो गया, पूरा आनंद लूंगा, लेकिन पता लगा दोस्तों चार्जर का जो बटन था वो ऑन करना भूल गए, गई भैंस पानी में। क्या? इतना गुस्सा, ऐसा लगता दोस्तों जैसे सब कुछ छूट गया। क्या? सब कुछ छूट गया भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। सुन लो भाई साहब, मैंने पड़ोसी के बच्चे को पीट दिया, पड़ोसन लड़ने के लिए आई। क्या? पड़ोसन लड़ने के लिए आई तो मैंने पूछा कि ये आपका बच्चा है, आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। क्या? ये है दोस्तों जुगाड़ू दिमाग। क्या है? ये है जुगाड़ू दिमाग कि आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म हो गई और पड़ोसन ने भी अपने बच्चे को फिर से पीटा। क्या? पड़ोसन ने दोस्तों अपने बच्चे को फिर से पीटा।